श्री श्याम होटल एंड रेस्टोरेंट। यह होटल बनी हुई है कांवट बाईपास रोड के ऊपर। पीडीएस न्यूज आपको पूरी होटल का भ्रमण करवाएगी, रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। तो चलिए श्री श्याम रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे तो हमारे सामने ऐसा नज़ारा आएगा। संपूर्ण होटल का हम दीदार करवाएंगे। यह है श्री श्याम रेस्टोरेंट एंड होटल बाईपास रोड कांवट। तस्वीरों में आप देख सकते हो यहाँ पर विथ फैमिली ब्रेकफास्ट डिनर और लंच की सुविधा उपलब्ध है। शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलता है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कर सकते हो। यहाँ होटल के बाहर लॉन है जिसमें नाइट के समय संध्या के समय लोग खुले में डिनर करते हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। ये तस्वीरें हैं अंदर की, होटल के अंदर, जहां पर आपको सबसे पहले तो साफ सफाई दिखेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हो श्री श्याम रेस्टोरेंट एंड होटल बाईपास रोड कांवट की होटल के अंदर का ये नज़ारा है। गद्देदार चेयर आपको यहाँ मिलेंगी, साफ सफाई मिलेगी, बिल्कुल क्लीन यहाँ पर आपको वातावरण मिलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हो इस समय पीडीएस न्यूज चैनल कवरेज कर रहा है। बाबा श्याम के नाम से ये होटल है। जैसे ही आप होटल में आओगे तो आपको एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ की स्वच्छता को देखकर ही आपका मन खुश हो जाएगा। ये अंदर की तस्वीरें हैं श्री श्याम रेस्टोरेंट की। चलिए अब हम आपको थोड़ा अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर फैमिली के लिए सेपरेट चैम्बर भी बने हुए हैं। जो फैमिली ओपन में खाना नहीं खाना चाहती, डिनर नहीं करना चाहती, ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती, वो सेपरेट चैम्बर में कर सकती है। इस तरह के यहाँ पर दो सेपरेट चैम्बर आपको मिलेंगे जिनमें बैठकर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो। ये तस्वीर है सेपरेट चैम्बर की, जो फैमिली ओपन में नहीं खाना चाहती है उनके लिए। सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख सकते हो श्री श्याम होटल कांवट में है। दीवारों पर शानदार पेंटिंग है, कलर जबरदस्त है और छत में भी आपको डिजाइन देखने को मिलेंगी। सुंदरता देखते ही बनती है श्री श्याम रेस्टोरेंट की। हम आपको पूरा होटल दिखाएंगे, रिपोर्ट को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं जहां पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम बने हुए हैं, जहां पर फैमिली की ठहरने की भी व्यवस्था है। यह रूम है जिसमें डबल बेड है, सेपरेट लेट बात है और मनोरंजन के लिए एलईडी लगी हुई है। इस तरह के यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम हैं। फैमिली अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी बुक कर सकती है। हर रूम में पर्सनल अटैचमेंट है, ये एसी वाला है रूम। लेट बाथ सेपरेट है हर रूम के, एलईडी हर रूम में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पीडीएस न्यूज ने कवरेज किया है इस होटल को। तस्वीरों में आप देख सकते हो विंडो पे पर्दे लगे हुए हैं। देखिए नज़ारा आपके सामने है श्री श्याम रेस्टोरेंट एंड होटल बाईपास रोड कांवट। तस्वीरें आपके सामने इस समय चल रही हैं,
श्री श्याम रेस्टोरेंट की एसी एलईडी हर रूम में है। जो रूम एसी वाला है उसमें एसी लगी हुई है, नॉन एसी वाले में एसी नहीं है, एलईडी हर रूम में है ताकि आप मनोरंजन कर सकें। इस दरवाजे से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। चलिए अब हम वापस नीचे चलते हैं और इस होटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजकुमार सामोता, उनसे बात करते हैं कि इस होटल में क्या क्या मिलता है। तो चले दोस्तों, अब बात करते हैं श्री श्याम होटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजकुमार सामोता जी से। सर स्वागत है आपका। वेलकम सर, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे होटल में आए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने होटल ही क्यों खोला? क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ था सर, क्योंकि मैं 3 ईयर का कोर्स किया था होटल मैनेजमेंट का जी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना बिजनेस डालने का प्लान करते हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया सर। सर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ आपकी यहाँ की जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे आपकी चेयर डेस्क सब एकदम साफ है, बिल्कुल साफ सफाई इस होटल में बारीकी से की गई है, तो साफ सफाई पे आपने विशेष जोर दे रखा है। तो सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने यहाँ जो कुक रख रखे हैं खाना बनाने के लिए, वो कहाँ के हैं, लोकल हैं या बाहर के हैं? सर हमारे कुक नेपाल से हैं और ये रतन है जो अपना लोकल है जी। और दो हमारे कुक हैं नेपाल से हैं सर। सर ये यहाँ पे क्या क्या मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सर हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे प्योर फैमिली रेस्टोरेंट, वेज सिर्फ ओनली वेज खाना बनाते हैं और पनीर का पूरा आइटम, यहाँ पनीर का सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं गाँव के लोग, आसपास के लोग सबसे ज़्यादा पनीर ही चॉइस करते हैं। तो हमारे स्पेशल है सर मटर पनीर, मटर पनीर और कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और लगभग वेजिटेबल तो सारा जो सीजनल वेजिटेबल होता है उपलब्ध, वो सारा प्रोवाइड करवाते हैं सर। सर जैसे बर्थडे पार्टी होती हैं, मैरिज एनिवर्सरी होती हैं, तो वो भी सेलिब्रेट करने आते हैं क्या लोग यहाँ पर? जी सर बिल्कुल आते हैं हमारे पास, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, किटी पार्टी हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, वो कपल्स हो, वो अपना मनाने के इंजॉय करने के लिए यहाँ पे होटल में आते हैं सर। जी जी सर, यहाँ रहने की भी उत्तम व्यवस्था है, रूम बने हुए हैं, एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी हैं, तो उनके बारे में आप बताइए। हमारे पास सर 2 नॉन एसी रूम हैं और 2 एसी रूम हैं, उसके अलावा हमारे पास खाने के लिए जो केबिन बने हुए हैं फैमिली के लिए, जो भी डिसाइड करे कि मैं बाहर खाना नहीं खा सकता, अंदर सेपरेट अपनी फैमिली के साथ में खाना खा सकता है, इसलिए हमारे पीछे चैम्बर बने हुए हैं, पूरी व्यवस्था हम कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। सर ऐसी साफ सफाई मेरे को आसपास में कहीं देखने को नहीं मिली, मैं अकस्माती होटल में आया था, मेरे को ड्यू पीनी थी, तो जब मैंने यहाँ की साफ सफाई देखी तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, तो साफ सफाई पे आपने विशेष जोर दे रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि जितना साफ सफाई से काम करना चाहिए वो सबको अच्छा भी लगता है और उससे खाने का स्वादिष्ट और बढ़ जाता है। साफ सफाई के साथ साथ कस्टमर का दिमाग एकदम प्रफुल्लित होता है कि यार मेरे को खाना यही खाना है, इसके साथ वो खाने को अपना इंजॉय करके साथ खाता है सर। सर जैसे यहाँ पर आते हैं खाना खाकर जाते हैं, तो लोग आपको जाते समय क्या फीडबैक दे के जाते हैं, आपके खाने के बारे में क्या बोल कर जाते हैं? खाने के बारे में तो हमें बोले अच्छा खाना दे रहे हो आप लोग, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे से आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको खाने के बारे में। सर कितने समय से आपकी होटल? लगभग सर हमें 3-3.5 साल हो गया सर। तो सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि जो आपकी रेट है, जो मेनू होता है, डाइट की जो रेट है, प्राइस है, वो किस हिसाब से है? वो सर हमने यहाँ के लोकल के हिसाब से, गांव के हिसाब से हमने मीडियम रख रखा है, जैसे और भी हमारे लेवल की जो होटलें हैं उधर हाईवे की तरफ उनमें कॉस्टली है, लेकिन हमने वही सब्जी, वही वेजिटेबल, वही कढ़ाई पनीर हम कम कीमत पे देते हैं सर, डिस्काउंट और देते हैं सर साथ में। थैंक यू राजकुमार सामोता जी, आपने हमें बताया। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छा स्वादिष्ट और सस्ता खाना खाना है तो आप श्री श्याम होटल पे जरूर आइए, ये है कांवट बाईपास के ऊपर। आप देख रहे हो PDS न्यूज, मैं हूँ PC सैनी। थैंक यू सर, धन्यवाद, और सभी आए और हमारी होटल का एक बार अवश्य हमें सेवा का मौका अवश्य दें, धन्यवाद जी। थैंक यू सर।